Hello everyone. Now worksheet 2. Question first, adding 4 to twice a number yields. Yields means equal. We can say it equal. या हम ये कह सकते हैं देता है. ठीक है. एंड देन फाइंड द नंबर. एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर. सो वी विल टेक इट लेट द नंबर नंबर इक्वल एक्स. नाउ एटी क्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर. एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर. नंबर के ट्वाइस में अगर 4 ऐड कर दिया जाए देन दिस yields मीन्स देता है हाउ मच 25/6 मीन्स इक्वल. नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर टू गेट द आंसर बाय शिफ्टिंग 4 टू द अदर साइड. सो इट विल बी -4. नाउ टेक इट एलसीएम 25 - 24. सो 2x विल बी 1/6. So how will you solve it further? By doing the cross multiplication. So x will be 1 upon 2 multiply 6. So x will be 1 upon 12. So this will be the answer. 1 upon 12. So therefore the number equal 1 upon 12. Now, next question. Question 2. A number when added to its 2/3 is equal to 55. So, let the number equal x. So, ATQ means according to question. A number when added to its number 2/3, जब number ये number जब to its 2/3 means अपने ही number के 2/3 में add हो जाए then it is equals to 55. Now since both the variables are on the same side, so you will solve it like this by taking its LCM. So 5x upon 3 equal 55. Now do the cross multiplication. 5x equal 55 multiply 3. So x will be 55 multiply 3 upon 5. Cancel कीजिए. So you will get x as 33. So therefore the number here is 33. Question 3. A number when multiplied by 4 exceeds itself by 45. So let the number equal x. A number when multiplied by 4 exceeds itself. जब एक number को 4 से multiply कर दिया जाए then it exceeds means अपने ही number से. How much exceeds itself? अपने ही नंबर से 45 ज्यादा है. So 4x minus x अपने ही नंबर से 45 exceed कर रहे हैं. Means more. So 4x minus x equal 45. So this is equals to 3x. 3x equal 45. So x will be 45 upon 3. कैंसिल कीजिए. सो यू विल गेट एक्स एज 15. देयरफॉर द नंबर इक्वल 15. एक्सीड्स इटसेल्फ मींस अपने ही नंबर से 45 ज्यादा है. नाउ क्वेश्चन 4. फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8 and then reduced by 9 is equals to 47. So let the number equal x. So ATQ according to question, a number which when multiplied by 8, is number ko jab 8 se multiply kiya
एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9. रिड्यूस्ड मीन्स कम कर दिया 9 से, देन इट इज इक्वल्स टू 47. नाउ सॉल्व इट बाय शिफ्टिंग द टर्म्स. सो 8x इक्वल 56, देन x विल बी 56 अपॉन 8, तो कैंसिल इट, तो एक्स विल बी 7. देयरफॉर द नंबर इक्वल 7. नाउ क्वेश्चन 5. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72. इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर, दो नंबर का जो सम है वो 72 है एंड उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 6 ज्यादा है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स, देन द सेकेंड नंबर, देयरफॉर द सेकेंड, इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर, तो अगर एक नंबर एक्स है तो सेकेंड नंबर हो गया एक्स प्लस 6 बिकॉज 6 मोर. अब 82, इन दोनों नंबर्स का सम इज 72, मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल 72, सम ऑफ दीज टू नंबर्स. नाउ सॉल्व इट, 2x प्लस 6 इक्वल 72, 2x इक्वल 72 माइनस 6, सो 2x इक्वल 66, देन x विल बी 66 अपॉन 2, कैंसिल कीजिए, सो x यू विल गेट इट एज 33, x एज 33, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर फर्स्ट नंबर वी हैव टेकन इट एज x, सो दिस इज 33 एंड सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 6, दैट इज 33 प्लस 6, सो इट विल कम एज 39. क्वेश्चन 6 इज नियरली सेम एज क्वेश्चन 5. द सम ऑफ टू नंबर इज 99. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9, फाइंड द नंबर्स. सो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स, देयरफॉर सेकेंड नंबर वन एक्सीड्स द अदर, एक्सीड्स मीन्स ज्यादा, सो इट विल बिकम एक्स प्लस 9. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज 99, सो एक्स प्लस 9, इन दोनों नंबर्स का सम जो है 99 है. टू एक्स प्लस 9 इक्वल 99. सॉल्व इट बाय शिफ्टिंग द टर्म, 2x इक्वल 90, सो x विल बी 90 अपॉन 2, कैंसिल कीजिए, सो यू विल गेट x एज 45. देयरफॉर यू हैव टू फाइंड द नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल 45 एंड सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर That is x plus 9. Means instead of x you will put its value 45 plus 9. So this will be 54. Now question number 7. If one number is 10 more than other and their sum is 52, find the numbers. So let the first number equal x, therefore second number kya hoga? One number is 10 more than other, so x plus 10, now 82, their sum is 52, means in dono numbers ka sum, first number plus second number sum is 52. So 2x plus 10 equal 52. 2x is 52 minus 10 by shifting the 10 on the other side.
So it will be 42. X is 42 upon 2, cancel kijiye. So you will get x as 21. Therefore, first number is 21 and second number kya hoga? Second number x plus 10. So this is x plus 10. So this will become 21 plus 10. So this will come as 31. So I hope all these questions are clear to all of you. That's all for today. Thank you and have a nice day.